ये देखिए, आज हम शाम की बिरयानी और स्टू बनाने जा रहे हैं, जिसकी प्रिपरेशन आप लोगों को से शेयर करना चाह रहे हैं, जिसका वीडियो रेसिपी। तो ये देखिए, हमने ये 1 किलो चावल भिगो दिए हैं, 1 किलो गोश्त है, जिसको 200 ग्राम हमने करीब धो करके साफ़ करके सारा गोश्त रख लिया है, 200 ग्राम निकाल लिया है। ये हम उसके स्टू के लिए हमने छोटा कुकर चढ़ा दिया है, जिसमें थोड़ा तेल डाला हुआ है। और ये अखनी के लिए गोश्त जो है, ये हमने बड़े कुकर में चढ़ाया हुआ है, ये धो करके गोश्त बड़े कुकर में डाल दिया है। और ये प्याज कटी हुई है, और ये खड़ा धनिया है समूचा 2 टीस्पून ले लिए हैं, और ये सौंफ है खड़ी, बराबर ही बराबर दोनों चीज़ें हैं। ये देखिए, दोनों के एक साफ कपड़े में ले करके हमने इसकी पोटली बना ली है, और इसकी पोटली हम धो करके अभी इसी में डाल देंगे अखनी में। ये देखिए, हमने ये पोटली तैयार कर ली है, टाइट बांधनी पड़ेगी, इसलिए ये खुले नहीं, अभी ये फूलेगा इसमें, उसको हम धो के। ये देखिए, हमने कुकर में डाल दिया है, ये डाल दिया, और पीछे छोटा कुकर हमारा चढ़ा हुआ है, इसमें खड़े गरम मसाले डाल देंगे, जैसे दालचीनी है, लौंग है, इलायची है, तेज़पत्ता है, तो ये सब हम इसमें अखनी में डालेंगे। एक प्याज की गांठ डाल देंगे छील करके, धो के समूची डाल देंगे छील करके बस, और एक लहसुन की गांठ, ये दोनों चीज़ें हम धो करके इसमें डाल देंगे। नमक जो है करीब 2 से 3 स्पून डाल देंगे गोश्त में, कि बोटियों में टेस्ट अच्छा आना चाहिए नमक का। और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल करके इसको हम बंद कर देंगे कुकर को। ये हमारी यखनी है, यखनी करीब हमारी आधा घंटा बनेगी, क्यों ये बीफ की बिरयानी बनाने जा रहे हैं आज, और उसी का ही स्टू है। ये देखिए, हमने इसमें पानी डाल दिया है, पानी गोश्त के ऊपर आ जाए, इतना डाल देंगे कि ये इसी पानी को बाद में हम बिरयानी में भी डालेंगे, तो इसलिए पानी इसमें रखना पड़ता है। और ये स्टू के लिए हमने लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, लौंग, इलायची, तेज़पत्ता, दालचीनी, ये सारे खड़े गरम मसाले ले लिए हैं। ये हमने तेल डाल दिया है, तेल में हम ये करीब 8 प्याज हैं, इसको प्याज ले लिए, प्याज और खड़े गरम मसाले हमने सारे तेल में डाल दिए हैं। ये देखिए, प्याज डालने हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी दिखाना पड़ता है इसलिए कि बहुत टाइम लग जाता है, अगर हम एक एक चीज़ आपको बहुत उसमें दिखाएंगे आराम से सारा करते हुए तो बहुत टाइम लगता है प्लीज़, तो आप लोग भी वो हो जाएंगे, हमको तो ये 10 से 15 मिनट की वीडियो देनी पड़ेगी आप लोगों को। तो ये हम शाम का डिनर तैयार कर रहे हैं, रात का करीब शाम का 6 बज रहा है, जिसकी हम तैयारी करनी शुरू कर दी है, तो ये हमारा 8-9 बजे तक खाना तैयार हो जाएगा, काफ़ी टाइम लगेगा इसमें बनाने में। और ये देखिए, प्याज हमारी बहुत ही लाइट सी बस होगी, सॉफ्ट होती है, उसी में हम ये अपना गोश्त हमने डाल रख दिया धो करके जो रखा हुआ था, कि ये अभी इसी में ही गलेगी तो इसका कलर चेंज हो जाता है, ये ब्राउन हो जाएगी, तो इसलिए पहले से ये डार्क नहीं करी जाती है, वरना फिर स्टू का टेस्ट जो है आपका वो अच्छा नहीं आएगा, तो ये ध्यान रखिएगा, प्याज बहुत ही सिर्फ बहुत लाइट सी सॉफ्ट हो तभी आप ये डाल दीजिएगा इसमें, और नमक ऐड कर दीजिएगा, उसको फिर बंद कर दीजिएगा ढक्कन, वो गलने के लिए रख दीजिए। अब ये हमारी बिरयानी के चावल भीग रहे हैं, और ये देखिए, अब हमने स्टू को खोल करके चेक कर लिया है, बोटियाँ गल गई हैं, तो बहुत अच्छे से देखिएगा आप लोग, फोर्क से देख लीजिएगा, चुटकी से धो करके बोटी देखिएगा गल गई है, इसको हमने भुनने के लिए रख दिया, तो ये देख रहे हैं आप लोग इसका कलर कितना अच्छा आ गया है, इसको हम भून रहे हैं। अब इधर हमारी यखनी भी करीब करीब जो हमने चढ़ाई थी वो भी तैयार हो गई है, उसको भी खोल करके अभी देखते हैं, तो ये हम इसको भून रहे हैं, पहले एक हम हांडी तैयार कर लें अपनी, स्टू अच्छे से भून करके इसको अलग कर देंगे। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा हमने गरम मसाला डाल दिया है, गाइस बहुत टाइम लगता है, और आप लोग देखिए बनाइए अपने अपने घर में खाइए, हमने इसलिए अभी आज मंडे है, आज 7 तारीख है, और हमने आज शाम में अभी डिनर का तैयारी चल रही है, तो हमने अभी आपको ये वीडियो दिखाया है, बना रहे हैं आप लोगों के लिए, लेकिन हम इसको कल अपलोड करेंगे। ये देखिए हमारे यहाँ का शाम का व्यू, करीब 7:30 बज रहा है, और इतनी अच्छी माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त हवा चल रही है, बैक साइड बालकनी से हमने आपको थोड़ा सा हमने कैप्चर करके दिखा दिया अपने गाइस को। और ये देखिए, हमने अपनी अखनी का कुकर खोला हुआ है, अखनी भी हमारी माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गई है, जिसकी हमने ये पोटली बहुत सहूलियत से आप किसी चिमटे से किसी चीज़ से पकड़ करके निकाल लीजिएगा, और ये कुछ खड़े जो गर्म मसाले होते हैं बड़े बड़े उनको भी हटा देते हैं, फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए कि हमको चावल में भी डालना पड़ेगा,
उसमें अलग से पड़ेंगे, जब मसाला भी हम इसका भूनेंगे और अपनी बघारने के लिए बिरयानी, तो उसमें भी कुछ मसाले डालने पड़ते हैं, इसलिए ये थोड़े कम कर दिए जाते हैं। ये देखिए हमने बोटी छू करके देख ली है, बोटी हमारी गल गई है। पोटली हमने प्लेट में अलग करके रख दी है। ये हमने बड़ा को भगोना ले लिया है जिसमें करीब 2 किलो बिरयानी बन जाएगी। उसमें हमने तेल डाल दिया है, तेल आप लोग को पता है कि हम सरसों के तेल में ही बनाते हैं और ऐसे ही डालते हैं, नापते नहीं हैं। तेल हमारा खूब अच्छे से हो गया, तो हमने ये प्याज, सारे खड़े गरम मसाले, खड़े गरम मसाले में हर चीज़ है, तो ये डाल दिया है। इतना तो आप सबको ही अंदाज़ा होगा, सभी लेडीज़ को होता है कि बिरयानी में क्या क्या बनता है, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, अपने हिसाब से कर लीजिएगा। सॉरी, जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है कि हमें खाना तैयार करना है शाम का, टाइम बहुत लग जाता है इसमें, कम से कम हमको 3 साढ़े 3 घंटे लगे कि हमको पूरी तैयारी करनी पड़ी है इसकी, फिर अब बना भी रहे हैं। ये हरे मिर्चे हमने 10-12 डाल दिए हैं काट करके इसमें। तो आप लोग भाई लाइक करिए, शेयर करिए, जो नए हैं वो सब्सक्राइब करिए, पका के खाने के बाद में अपने अपने घर में देखिए इसको बना करके, इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है जिसको हमने 4 से 5 टीस्पून डाल दिया है। ये ज़्यादा पड़ता है चावल और गोश्त को, दोनों को के अकॉर्डिंग ही पड़ता है ये, इसका फ्लेवर भी आता है ना, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ता है। तो आप लोग हमको कमेंट करिए, कुछ लोग करते भी हैं, थोड़ा और करिए, अच्छा लगेगा। कैसा लगा हमारी रेसिपीज़, कैसी लग रही हैं आप लोगों को? और ये देखिए हम इसको भून रहे हैं, इसको बहुत अच्छा सा भूनना पड़ेगा। प्याज और मसाले, अदरक लहसुन डालने के बाद में, सारे खड़े गर्म मसाले डालने के बाद इसको खूब अच्छे से भून लेंगे, बिल्कुल जैसे गोश्त का मसाला भूनते हैं वैसे ही भूनेंगे कि तेल अलग हो जाए, प्याज अलग हो जाए। तो ये देखिए गाइस, हमारा मसाला अच्छे से भून रहा है और करीब करीब भून ही गया। ये देखिए तेल अलग हो गया है। अब इसमें हम जो अखनी की बोटियाँ हमने तैयार कर रखी हैं बॉयल करके, तो हम उसको इसमें बोटी ऐड कर देंगे। तो अभी गाइस देखिए डालते हैं हम, ये देखिए हमने खाली ये छन्ने से, छन्ने वाला ये हमारा स्पून है, तो उससे हम सिर्फ पीसेस डालेंगे गोश्त के, ये देखिए। तो इसको डाल करके इसमें अच्छे से हमको फ्राई करना है, खूब कस के भून देंगे तो ये बोटी में और अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तो आप लोग ऐसे ही अपने अपने घरों में बनाइए, खाइए, बताइए हमको कैसा लग रहा है, कैसा बन रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए प्लीज़। ये देखिए तो हमें भी अच्छा लगता है कि अच्छा लगेगा कि हमारे फ्रेंड्स लोग हमको लाइक कर रहे हैं। सामने पूरी तरह नहीं आ पाए हैं ना आएंगे, इसलिए कि हम बहुत बिज़ी हैं, काम कर रहे हैं, गर्मी भी हो रही है घर में, तो अंदर गर्मी होती है। और ये देखिए मैं नमक और डाल दिया है, नमक हमने करीब 3 टीस्पून और डाल दिए हैं। नमक थोड़ा फ्रेंड्स तेज़ रखना पड़ता है, ये गरम मसाला है, 1 टीस्पून गरम मसाला डाला है इसमें पिसा हुआ, क्योंकि हमारा गरम मसाला घर का बना हुआ है आप लोग को पता है, तो ये काफ़ी तेज़ है, तो थोड़ा कम ही रखेंगे वरना उसकी एक तेज़ी बहुत आ जाती है। ये देखिए हमने उसमें डाल करके सारे मसाले कस के उसको भून दिया है। जो अखनी का पानी था हमने उसमें वो भी ऐड कर दिया है, वो पानी सारा उसी में डाल देंगे, वो पानी फेंका नहीं जाता है। ये देखिए हमारी ये बहुत अच्छे से भुनने के बाद में इसकी अखनी की ये शक्ल आई है, अच्छा लग रहा होगा ना, बहुत लाजवाब, बहुत यमी, बहुत टेस्टी हमारा खाना तैयार हुआ था। तो ये देखिए चावल गाइस हमने धो करके साफ़ करके रख लिए थे, हमने और धो कर लिए हैं, साफ़ कर लिए हैं, अब हम ये सारे चावल उसमें डाल देंगे। चावल हमारे ये डबल चाबी है, 1 किलो है, और बहुत ही अच्छी बिरयानी तैयार हुई थी माशाल्लाह से, पूरा खाना बहुत अच्छा बना था। हमारे हस्बैंड की फरमाइश थी कि हमको थोड़ा सा स्टू बना दो, बहुत थोड़ा सा, तो हमने इसीलिए 5-6 बोटी का हमने स्टू बना दिया उनको, 200 ग्राम का करीब, बाकी का सबकी हमने बिरयानी बना ली। बिरयानी हमारे बच्चे बहुत पसंद करते हैं, हम लोग सब लोग खाते ही हैं। तो ये देखिए हमने सारे चावल डाल दिए हैं इसमें, प्लीज़ आप लोग अपने अपने घर में सब लोग ट्राई करिए, सब लोग बनाइए, खाइए, मज़ा आएगा यार, बहुत अच्छी बनती है माशाल्लाह से, इसी फ्लेवर की बनाइएगा। लोग बना रहे हैं, लोग हमारी रेसिपीज़ पसंद कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, थोड़ा और करिए, लाइक ज़रूर करिए प्लीज़, लाइक कंजूसी मत करिए उसमें। तो ये देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, और ये इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी इसमें गाइस देख करके रखना पड़ेगा कि चावल हमारे ऑलरेडी 2 घंटे करीब भीगे हुए हैं, और तो पानी उसमें हम थोड़ा ही रखेंगे, बस चावल के ऊपर हमारा पानी आ जाए,
तो ये देखिए ये पानी डाल दिया है इसमें हमने, और अभी उधर हमने साइड में रवे का हलवा भी बना लिया है, जिसकी रेसिपी हम नहीं आपको दिखा पाए हैं। हलवा दिखा देंगे लेकिन रेसिपी नहीं दिखा पाए हैं, कि सारे काम कंटिन्यू हमें करने पड़ रहे हैं और अकेले सारा करना पड़ रहा है। इसकी सारी खाने की प्रिपरेशन भी करना पड़ता है, फिर बनाना पड़ता है, वीडियो भी बन रही है। तो ये देखिए नमक हमने टेस्ट कर लिया, नमक हमें थोड़ा कम लगा था, हमने थोड़ा सा और डाल दिया है। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। वैसे बिरयानी में चावल में तेज़ रखना पड़ता है, कि जब नमक तेज़ होगा तभी ये पकने के बाद में एकदम परफेक्ट आएगी। ये माशाल्लाह से इस कदर की अच्छी खुशबू आ रही है पूरे घर में। और ये देखिए ये पोटली हमारी है, सौंफ और धनिया की जो थी वो ठंडी हो गई है। अब इसको हम इसमें कस के दबा के उसका भी सारा जूस निकाल देंगे। इसका जूस इसी में डालना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए हम इसको डाल के इसमें सारा पानी डाल के चला देंगे। अब इसका ढक्कन लगा देंगे, ये पकती रहेगी। इधर हम अपना और काम कर लेंगे। ये देखिए हम आटा गूंद रहे हैं, जैसे थोड़ा सा स्टू बनाया वैसे थोड़ी सी रोटी, इसलिए कि सारे लोग बिरयानी खाएंगे। हस्बैंड मेरे सिर्फ स्टू और रोटी खाएंगे इस टाइम, वो बिरयानी इस टाइम नहीं खाएंगे, वो सुबह खाएंगे इंशाल्लाह। तो ये देखिए आटा लग गया है हमारा, और ये बिरयानी हमारी दम पे लगी हुई है, बिल्कुल एकदम तैयारी पे है। अब इसमें सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं पकने के लिए। और ये देखिए अब हम इसमें फूड कलर डाल देंगे अभी, और इसमें एक न्यूज़पेपर लगाने के बाद में इसको हम कवर कर देंगे। ये 10 मिनट में बिरयानी तैयार हो जाएगी। इधर हमारा स्टू भी बन गया है, उधर रवे का हलवा बन गया है। रोटी अब कोई भी डाल लेगा। तो ये देखिए अब हम इसमें कलर डालने हैं। ये केवड़ा की बोतल रखी है, इसमें केवड़ा डाल देंगे। केवड़ा हमारा थोड़ा लाइट है कि बड़ी बोतल है, इसका फ्लेवर लाइट होता है, तो इसमें हम थोड़ा ठीक डालेंगे। दो इस ढक्कन इसके इसमें डाल देंगे, बाकी थोड़ा सा अलग से भी डाल देते हैं, कि बिरयानी करीब हमारी 1.5-2 किलो की बिरयानी तैयार हो गई है। तो ये माशाल्लाह से इतनी अच्छी, इतनी यमी, इतनी टेस्टी बनी है, इतनी लाजवाब बनी थी माशाल्लाह से, कि मज़ा आ गई है लोगों को खा करके। सारे लोगों ने तारीफ़ करी है, बच्चों ने, हस्बैंड ने, सब ने। तो ये देखिए गाइस हमारी बिरयानी तैयार हो गई है। अब इसमें हम कलर डाल देंगे, और माशाल्लाह से पूरा घर हमारा खुशबू से महक रहा है। तो आप लोग भी अपने अपने घर में सब लोग बनाइए, खाइए, हमको खूब लाइक करिए, शेयर करिए, जो नए हैं सब्सक्राइब करिए प्लीज़, आप लोगों की मोटिवेट की ज़रूरत है। तो ये देखिए, और इंशाल्लाह चलिए ठीक है। और ये आज हम दूसरे दिन आपको ब्लॉग दे रहे हैं, ये आज हमारा ट्यूसडे है। कल रात में हमने डिनर तैयार करा था, इसलिए तो हम रात में इसको अपलोड नहीं कर पाए हैं, कि काफ़ी देर लग जाती है, बहुत टाइम लगता है गाइस खाना बनाने में, एडिटिंग करने में वीडियो को। तो इसलिए हम दूसरे दिन इसको हम देंगे, तो ये आज आप लोगों को मिलेगी। आज ट्यूसडे है, तो आप ये हम आप लोगों को वीडियो अपलोड करेंगे, अभी मिल जाएगी आप लोग को इंशाल्लाह, अभी 10-11 बजे तक मिल जाती है आप लोगों को इंशाल्लाह। तो ये देखिए अपने अपने घरों में बनाइए, खाइए, खुश रहिए, कमेंट करिए। ये देखिए रवा हमारा तैयार हो गया है।